लक्ष्मण जी, मैं जल्दी जल्दी चूंकि कमेंट ले रहा हूं, समय हो रहा है बताने का, क्या लग रहा है आपको एग्जिट पोल इस बार क्या संकेत देने वाले हैं? एग्जिट पोल संकेत यही देने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो पिछले 5 साल की सरकार थी, जो यातना झेली है, भेदभाव झेला है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना और हिंसा को बहुत सत्ता की तरफ से संरक्षण देना और खुद सत्ताधीश की हिंसक भाषा और हिंसा के नाम पर ही सब कुछ को ऐसे विकास के रूप में तब्दील कर देना, यह बहुत चला नहीं है। चाहे नौजवानों की बेरोजगारी का मसला हो, ये पहले फेज से सातवें फेज तक एक समानांतर निरंतर प्रक्रिया दिखी है, जिसमें बेरोजगारी, शिक्षा का सवाल है, खेती किसानी का सवाल है, आवारा पशु का सवाल है, महंगाई का सवाल है और जातिगत अन्याय जो हुआ था, उन जातियों के समीकरण जो बदले हैं पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक, इन सब का असर देखने को मिलेगा। और फिलहाल तो यही लग रहा है कि सत्ता बदलने वाली है, जो सातवें चरण तक बिल्कुल मुहर लगती हुई दिख रही है। लक्ष्मण जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो राजेश जी ने कहा है? निसंदेह संजय जी, मैं तो जब इस पूरे प्रक्रिया को देखता हूं तो हम लोग जैसे, मैं हिंदी का विद्यार्थी भी हूं तो मैं एक बात सोचता हूं कि हम लोग अपने विद्यार्थियों को निबंध लिखना सिखाते हैं, गाय पर निबंध लिखो, भ्रष्टाचार पर निबंध लिखो, गरीबी पर लिखो, और वह दरअसल बहुत आदर्शात्मक ढांचा है जिसमें सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ते लिखते समझाते हैं, लेकिन हकीकत में हम उनके भीतर कितने चारित्रिक आदर्श को स्थापित कर पाते हैं, यह हमारा इम्तिहान होता है बतौर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वैसे ही एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव उसकी सबसे बड़ी भूमिका है आपके लोकतांत्रिक ढांचे में। अब अगर चुनाव दो वजहों से, मैं बहुत संदेह से देखने लगा हूं कि पहला तो वो सबको दिखता है, धन बल बाहुबल, बहुत ठस सी शब्दावलियां हो गई हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई ये है कि फॉर्चूनर के रेला हो या करोड़ों रुपए खर्च करके एक रैली हो, इन दोनों ने चुनावी समीकरणों को बदल दिया है। और दूसरी बात है गिरती हुई भाषा और मुद्दों पर अगर गौर करें, जैसे मैं उदाहरण दूं, आज ही संजय जी वोट डालने के लिए सभी नेता अपील करते हैं कि भाई आज आज मतदान होने वाला है और ट्वीट करते हैं। अब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्वीट देखिए, अभी तो वही मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने माफियावादी, दंगावादी, परिवारवादी, ऐसा नहीं लग रहा है, जबकि प्रधानमंत्री का ट्वीट आप देखेंगे तो वो बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र का महायज्ञ है, इसकी आहुति देने के लिए आप लोग मतदान कीजिए। अरे संयमित भाषा में एक ट्वीट तक नहीं कर सकते आप, उसमें माफियावादी, दंगावादी, ऐसे लगता है कि इतना हिंसा भर गई, ये बहुत खतरनाक है। और पूरे चुनावी व्याकरण ने, गिरती हुई भाषा ने और इन सारी चीजों ने जो नुकसान पहुंचाया है, वो शायद अभी दिखेगा नहीं लेकिन बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। मैं फिर भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक अर्थ में तो बहुत दिलचस्प और बहुत सल्यूट करते हुए कहूंगा, बहुत कोशिशों के बावजूद वो सांप्रदायिक नहीं हुआ, वो उस तरह से सांप्रदायिक जमीन पर नहीं हुआ। 80-20 किया गया, कैराना किया गया, साइकिल आतंकवाद किया गया, मैं तो बयान उन लोगों के देख रहा था, गर्मी शांत कर देना, कब्रिस्तान की बात करना, जिन्ना की बात करना, फिर भी मुझे लगता है कि लोगों की जो बाइट आई है, जैसे यूट्यूब चैनल के जरिए जो हम लोग देखते हैं, उसके जरिए जो बात समझ में आ रही है वो ये कि लोग, जो बीजेपी के लोग हैं वो तो कह ही रहे हैं कि हम 350 सीटें जीत रहे हैं, उनकी भाषा वो दो ही तीन बातें हैं, राष्ट्र के नाम पर, विकास के नाम पर, बहुत वेग लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन जो बीजेपी से नाराज खेमा है, आप उसको गौर से देखे होंगे तो सब लोग सहमत होंगे कि वो कोई किसानी की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई पेंशन की बात कर रहा है, कोई सिलेंडर की बात कर रहा है, कोई नौजवानों को लाठी मारी गई उसकी बात कर रहा है, कोई दमन हुआ, हिंसा हुई, बुलडोजर चला उसकी बात कर रहा है। ये इस चुनाव की सबसे खूबसूरत बात थी, जिसने मुद्दों को बहुत मरने नहीं दिया, सर्वोकारी मुद्दे केंद्र में रहे, ये मुझे लगता है कि इस चुनाव की अच्छी भी बात है। लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में जो सरकार आएगी वो बहुमत से आएगी या हंग असेंबली होगी? नहीं, इसमें तो देखिए बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है, और जो मिजाज है पिछले दिनों से, अगर केंद्र से लेकर के राज्य तक में देखें, तो इस समय वोटर का रुझान अब
बहुत असमंजस वाला नहीं लगता है। वो लगता है कि जिस जिसको वो जिताते हैं वो एक तरफ से जिता रहे हैं और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा रहे हैं। मैं भी ये दावा तो नहीं कर पाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल पूर्ण बहुमत से होगी, लेकिन हाँ एक रुझान इस बात का है कि जो भी जीतेगा वो पूर्ण बहुमत से जीतेगा, जिसमें अभी समाजवादी पार्टी गठबंधन बिल्कुल लीड करता हुआ दिख रहा है। बदल भी सकता है ये आंकड़ा। अब दूसरी बात जो मैं पिछली टिप्पणी में कह रहा था, जो अजय जी ने जोड़ा कि नए मुद्दे तो हर चुनाव में होते हैं, उसके साथ जाति अहम है, मैं इसे दूसरे ढंग से देखता हूं। मैं कह रहा हूं कि जाति है, और ये तो उत्तर प्रदेश बिहार या उत्तर भारत की एक खूबसूरत बात है, जहां जाति के नाम पर इस तरह से मुखर राजनीति नहीं है। वो उत्तराखंड से लेकर के ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सब में देख लीजिए, जाति है लेकिन जाति के नाम पर राजनीति वहां नहीं होती, तो वहां क्या स्थितियां हैं। तो ये एक बहस का मसला है। फिलहाल मेरा कहना ये है कि एक समीकरण पैरेलल काम कर रहा है। आप प्राथमिकता पर जाति रखना चाहते हैं, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ बिल्कुल कि हाँ एक बिल्कुल गठजोड़ बनाया उन्होंने, लेकिन मुद्दे भी केंद्र में रहे, जिन्होंने जो फ्लोटिंग वोटर है उनको उनको एक उसको असर उसको पैदा थोड़ा हाँ करते हैं। लक्ष्मण जी, ये जो पहला झटका लगेगा अगर उत्तराखंड से लगातार, वहां पे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, अमित शाह ने रैलियां करी थी, ये अगर पहला झटका लगता है उत्तराखंड की तरफ से, तो इसके दिल्ली में झटके कैसे महसूस किए जाएंगे? दिल्ली में झटके बिल्कुल रिक्टर पैमाने पर 8 से ऊपर तो होंगे, उससे कम तो नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव को, और आप लोग तो देख रहा हूं, मैं आप एक पोल भी करा रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूं 90% लोग तो सपा गठबंधन जिता रहे हैं, 10% लोग तो आपका एग्जिट पोल तो यहाँ पे दिख रहा है। मैं संजय जी बस एक बात याद कर रहा हूं कि बाकी ठीक है, चलिए चुनाव होता है, सब सब साख दाव पर होती है, आपकी सरकार केंद्र में भी हो राज्य में भी हो तो चुनाव मुश्किल भी कई बार होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन इस हद तक एंटी इनकम्बेंसी आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़े कि ना लड़े। मुख्यमंत्री उत्तराखंड में आपने बदला, उसी समय यहाँ भी बदल रहे थे, और आप तो ऐसे चैनल हैं जो अंदर की खबरें कितनी लीक करते रहे, आपकी भी कम भूमिका नहीं है। वो जो खबर आपने लीक की कि भाई कब इनको हटाया जा रहा था, कैसे हटे नहीं, उसके बाद अब संजय जी जो कुछ भी हुआ है ना, वो इस समय आखिर में आपने ही दिखाया है कि मोदी जी की तस्वीर रही, योगी जी की तस्वीरें हट गई उनके चुनाव प्रचार के बैनर से। तो देखिए अंदर तो चेहरे पर एक वीडियो और मैं देख रहा था बाबा बुल्डोजर का, कि वो अपील कर रहे हैं, अभी तो उस पर चर्चा नहीं कर रहे कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कौन लोग रिनोवेट करने लग रहे हैं दूसरे के घर का, पता नहीं उसमें टोटी लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ये सब चुनावी जुमलेबाजी हो जाएगी। वो जो चेहरा गिरा हुआ था ना, जिसमें वो एकदम निराश होकर के अपील कर रहे थे, और उस अपील में कह ये रहे थे कि वोट हमें दो, और चेहरे का भाव ये कह रहा था अब हमें देकर वोट क्या करोगे, अब हम तो हार रहे हैं। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज, जो भाषिक आंगिक भाषिक आहार है हम लोग पढ़ते हैं भाषा, उसमें लग रहा है कि ये अंदर उनको भी लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे, 3 दिन बनारस में बैठना पड़ा है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि जनता अब उस तरह से तो नहीं रही कि आपके हर एक झूठ पर केवल राष्ट्रवाद, केवल धर्म, केवल जो है भावुकता। हालांकि अभी भी लाभार्थी समूह की बहस कौन ले आया इस पूरे डिबेट में, लाभार्थी समूह की बहस लाने वालों को भी पहचानिए। मैं कह रहा हूं 10% अगर लाभार्थी समूह है तो 90% नुकसानार्थी समूह भी तो था, आपने उसे नजरअंदाज किया, और वो बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द रीजन, वो नुकसानार्थी समूह काम कर रहा है पहले फेज से 7वें फेज तक। तो इसलिए अब इसके बाद भी अगर उनकी सरकार बनती है फिर तो इस लोकतंत्र को सल्यूट करिए। क्या लक्ष्मण जी, ये बात तो है कि मैं देख रहा था, बड़ी बड़ी मीडिया टीम ने अभी स्क्रीनशॉट लाके दिए हैं, जो वो राष्ट्रीय चैनल जो बीजेपी की 280, 90 और 300 को क्रॉस करके सीट बनवा रहे हैं, उनकी व्यूअरशिप नाम नहीं लेना चाहिए कि 20,000, 50,000। और विकास जी, हम लोगों को अब तक 5 लाख व्यू मिल चुके हैं, मतलब कुछ घंटे में 5 लाख लोग देख चुके हैं, जो किसी भी राष्ट्रीय चैनल से कहीं ज्यादा है। और शायद ये यही यही होता होगा कि लोगों को लगता होगा कि जब सारे एग्जिट पोल बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी लाए जा रहे हैं, तो कम से कम उस चैनल पर जाके सच बात तो सुनो जो कहने की हिम्मत करता है सच को। लक्ष्मण जी, आपका कमेंट, सारे सारे बड़े चैनल देख लिए होंगे आपने, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, ऊर्जावान प्रोफेसर हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन सही है, हम सही हैं या वो सारे राष्ट्रवादी चैनल ठीक हैं? आपका कमेंट, और फिर सृष्टि जी के पास चलते हैं। देखिए जब आपने राष्ट्रवादी कह दिया तो राष्ट्रवादी गलत कहाँ होते हैं, गलत तो उसके राष्ट्रद्रोही लोग होते हैं।
ये जो चल रहा है संजय जी, निश्चित रूप से मैं अभी दूसरे प्लेटफॉर्म था, वहां भी मैंने यही बात कही कि असल में एग्जिट पोल तो चलिए उस पे एक राइडर लगा होता है। अब एक चैनल, सबसे अच्छा चैनल तो वो है जिसने अभी भी 326 सीटें दिखाई है बीजेपी को, उसी ने एक्यूरेट दिखाया है, क्योंकि पिछली बार 325 उनका गठबंधन था, एक जुड़ा है। तो इतना जब अगर राष्ट्रवाद हावी है, गर्मी शांत कराना ही है, सब कुछ है, तो फिर एक प्लस हो तब जाकर के कुछ बेहतर बात बनेगी। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने चुनाव कंटेस्ट किया है, बीजेपी की 2014 के बाद से अब तक के हर चुनाव की एक रणनीति है जिसको बहुत प्रचारित किया गया। पहले तो ये पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी, इंटरनल डेमोक्रेसी का दावा करती थी, अब वो दिखता है कि दो लोग हैं जो सब कुछ तय करते हैं, एक तीसरे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। इन्होंने थोड़ी रीढ़ दिखाई, मुख्यमंत्री नहीं बदलने दिया, वो जो आए थे गुजरात से अधिकारी उनको भी नहीं बनने दिया, ये सब हुआ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि फर्स्ट फेज से सेवेंथ फेज तक आज इस पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान क्या कहीं भी बीजेपी अपनी उस चिर परिचित एग्रेशन वाली बॉडी लैंग्वेज में प्रचार करती हुई दिखी, जिसके लिए वो अपना दावा करती है? वो जब एक व्यक्ति, बीजेपी का मतलब एक व्यक्ति जब हो गया है, तो उस व्यक्ति की रैली में जब भीड़ उमड़ती थी, जब एक तरफा यही राष्ट्रवादी चैनल ये कहा करते थे कि मतलब एकदम विष्णु विष्णु जी का अवतार हो चुका है अब इस धरती पर, वो राम को लाए हैं, उसके बाद अभी देखिए किसको किसको और लाएंगे, उसके दावों में इस बार क्यों वो नहीं हुआ? इस बार क्यों पहले दिन से ही कांटे की लड़ाई दिखाई जा रही थी? जब इतना ही एक तरफा एग्जिट पोल होना था, तो फिर तो कांटे की लड़ाई जैसा भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये दिखाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि एक अंतर विरोध इन दोनों के बीच में है। जो बीजेपी एग्रेशन के साथ इलेक्शन कैंपेन करती थी, वो एग्रेशन नहीं दिखा है। दो तीन एग्जाम्पल अगर लें तो प्रधानमंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि ये जो आवारा पशु हैं, इनका भी निदान मेरे पास है, 10 मार्च के बाद गोबर से रोजगार पैदा करेंगे, बैकफुट पर आए कि नहीं? दूसरी बार उन्होंने कहा कि मैं परिवार वाला तो नहीं हूं, परिवारवादी तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, मेरे मेरा समाज, मेरा परिवार है और उसे कैसे चलाना है मुझे पता है। अभी यूपी के मुख्यमंत्री का एक बयान कल से आज चल रहा है, पता नहीं, आप उसकी पड़ताल करके बताइए कि वो सही है या गलत। मैं मुसलमानों से बहुत प्रेम करता हूं, ये बयान जो चल रहा है भाई, जब वोट पड़ गया तो ये बयान देने का क्या मतलब है? इतना ही प्रेम था। एक गृह मंत्री हैं, वो ये समझ गए कि मुसलमानों का वोट सपा को नहीं पड़ रहा, वो बसपा को भी पड़ रहा है। वो मुसलमानों के भीतर समझ गए कि मुसलमान किसे वोट दे रहा है। सीएनआरसी पे मुसलमान लड़ते रहे, उनको नहीं समझ में आया, मुसलमान बार बार कहते रहे, लिंचिंग हो रही है भाई इस देश में, इस देश में सांप्रदायिक जहर फैला दिया गया है, वो नहीं समझ में आया, लेकिन वोट मुसलमान किसे दे रहा है? बसपा को दे रहा है, ये गृह मंत्री को समझ में आ गया। इतना शानदार गृह मंत्री हमारे देश में मिला है, 12वीं के बाद इंटर पास करिए, लैपटॉप लीजिए। कहना मेरा ये है कि कुल मिलाकर के इतने के बावजूद अगर एग्जिट पोल सही होते हैं, अगर ये राष्ट्रवादी चरणों के एग्जिट पोल सही होते हैं, तो भाई फिर इस देश में मुझे तो लगता है ना कि अब आगे इस तरह के सरोकारी मुद्दों, पुरानी पेंशन, बिजली, पानी, खेत खलियान, नौकरी, जाति जनगणना, संविधान खतरे में है, ये सारे मुद्दे पर तो चुनाव लड़ा गया, फिर तो ये सारे मुद्दों का, लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रहेगा। अगर ये हो गया कि योगी जी का सीएम फेस नहीं था, संजय जी आप बहुत बारीकी से पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं, 17 में तो कोई चेहरा नहीं था, 325 सीटें ले आए, अब तो उनके चेहरे पर ये सब हो रहा है। अगर उसके बाद ये हो गए तो 24 तक पता नहीं उनको प्रधानमंत्री रहने देंगे या नहीं, फिर तो ये दावेदार हो जाएंगे ना सबसे बड़े। हमने क्या अपने प्रदेश की जनता को इस हद तक सांप्रदायिक बना दिया है? क्योंकि अगर बीजेपी 300 सीटें ले आ रही है, 280 सीटें ले आ रही है, तो इसका तो एक ही मतलब है कि बियॉन्ड द कास्ट लाइन, बियॉन्ड द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या एग्रीकल्चर, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, इन सब की बजाय एक ही मुद्दा हावी हो गया और वो हिंदू राष्ट्र। फिर तो आप डिजर्व कर रहे हैं, फिर आप करिए, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ होना नहीं है। हो
हो सकता है मेरी ये सदिच्छा हो कि ये सारे एग्जिट पोल बंगाल की तरह गलत साबित होंगे और कम से कम सत्ता बदलाव की जो लहर दिख रही थी वही अंतिम सच होगी। संजय जी, लक्ष्मण जी, आखिरी कमेंट आपका। सब लोगों को 4:30-5 घंटे हो गए, अशोक जी भी थक गए हैं और विकास जी तो आज बहुत ही गुस्से में बैठे हुए हैं मुझे लगता है। लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है आपको, विकास जी की मेहनत सही होगी 10 तारीख को हम लोगों की या फिर? देखिए संजय जी, मेहनत तो किसकी सही होगी, हालांकि जितनी मेहनत, मैं अशोक जी की बात से, आखिरी वाली बात से सहमत रहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जो विपक्ष की भूमिका थी वो कायदे से निभाई गई, ये मैं सहमत हूँ। जनता के एक बहुत बड़े तबके में नाराजगी थी जो सामने देखती है, लेकिन ठीक है, आखिरी के 4-6 महीने में बहुत कुछ बदलाव तो दिख रहा था ना, एक गुस्सा तो दिख रहा था ना, लेकिन अब वो गुस्सा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बाहर से देखने में मेहनत नहीं करते नजर आ रहे हो, भीतर से कुछ लोग मेहनत कर रहे थे, जिसमें सृष्टि जी तो जाने कितनी बार उसको गुल्लू गुल्लू कह के उन लोगों को सिंबलाइज कर दिए हैं। अभी मैं देख रहा था संजय जी, अशोक जी उधर से ही गुजर के आए हैं तो देखे होंगे, कोई एंकर नाव पे बैठ करके झंडा लेके आ रहा है तो दूसरे वाले एंकर हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, तीसरा जो है वो लाल किले वाला एक हमने देखा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसे लगाना था यूपी विधानसभा की तस्वीर, उसने लाल किले वाली लगा दी। देखिए, पुरस्कार उसी को मिलेगा, असली मेहनत उसी ने की जिसने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजाय लाल किले का तस्वीर लगाई। कहना यही है कि बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है सब कुछ, इतना इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि पता ही नहीं चलता चुनाव लड़ कौन रहा है। अब की उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि बीजेपी कायदे से चुनाव लड़ भी रही है या नहीं लड़ रही। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल देखा जाए और एक बार की मान लें कि ये एग्जिट पोल सही होने वाला है, तो इसका मतलब चुनाव बहुत सारे लोग वो भी लड़ रहे थे जो निष्पक्ष, तटस्थ और बिल्कुल लोकतंत्र के स्तंभ हुआ करते हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों ने। और आखिरी चिंता मेरी ये है, मैं आखिरी टिप्पणी इसी पर करके अपनी बात खत्म करूंगा, कि अगर इन सब के बावजूद हमारी सदिच्छा है कि सरकार बदले, हम भी उसमें शामिल हैं, हम कोई तटस्थ निष्पक्ष नहीं है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मुझे अच्छे से पता है कि तटस्थ और निष्पक्ष जैसा कुछ भी नहीं होता, और आप एक पक्ष चुनते हैं और हमने वो पक्ष संविधान का चुना है, और हम जानते हैं कि हमारा प्रोफेसर होना या यहाँ आपके प्लेटफॉर्म पर बैठ करके अपनी राय रखना, इन सब के केंद्र में अगर कुछ है तो एक बेहतर दुनिया बनाने का ख्वाब है, एक संवैधानिक मूल्यों की दुनिया बनाने का ख्वाब है, ये हमारा पक्ष है, हम निष्पक्ष और तटस्थ नहीं होते। और पत्रकारिता या लोकतंत्र के किसी भी संस्थान को सत्ता के पक्ष में कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए, वो निष्पक्ष होकर के अगर दावा करती तो जनता के पक्ष में खड़े हो। तो हम अगर गलत साबित होते हैं, 10 मार्च को परिणाम अगर ऐसे ही आते हैं, तो फिर तो डिजर्व करते हैं आप महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, बिजली, पानी, आवारा पशु, इन सब पर भारी अगर कुछ पड़ गया तो आपके भीतर एक सांप्रदायिक नफरत का जहर था, क्योंकि इन सब पर भारी केवल एक ही चीज पड़ सकती है, वो है हिंदू राष्ट्र, वो है सांप्रदायिकता। आप सब कुछ बर्बाद होता देख सकते हैं केवल इसलिए कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या सांप्रदायिकता चाहते हैं, वरना तो बीजेपी कहीं से 150 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर मैं सही हूं तो कौन सा तबका ऐसा नहीं है जो नुकसानार्थी ना हो? आप लाभार्थी समूह की बहस देख रहे हैं, विद्यार्थी नुकसानार्थी नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, जो घर में चूल्हा जिसके घर में जलता है वो नहीं है, महिलाएं नहीं है, दलित पिछड़े नहीं है, कामगार लोग नहीं है, कौन नुकसानार्थी नहीं है? एक बात, इतने लोग अगर नुकसानार्थी हैं तो ये सीटें कैसे जीत रहे हैं? अगर ये जीतते हैं तो, मैं अभी वो बात कर रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टियां कितनी इसका मूल्यांकन करेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन बतौर समाज फिर हम कहीं बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं तो बार बार कहता हूं, वो संवैधानिक मूल्य जिनके बचाने के लिए सब कहा जा रहा है वो फिर कहां होगा? अंतिम बात यही कि मुझे नहीं लगता कि ये सारे टीवी चैनल पर दिखाए एग्जिट पोल सही होंगे। मेरा अभी भी भरोसा ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बहुत बड़ी तादाद में सत्ता के विरोध में वोट दिया है, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा मूल्यांकन है।
बाकी देखना होगा कि 10 मार्च को अंतिम परिणाम क्या है।